बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल किया कि भाई इस साल यानी कि अमेरिका 2024 के हवाले से आप हमें बताइए कि क्या एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है, क्या क्लोजिंग मेरिट यूनिवर्सिटीज का हो सकता है। तो बातों को जरा गौर से सुनिएगा, मैं कंपैरिजन आपके साथ शेयर करने लगा हूं 2023 का और 2024 का। सबसे पहले यूएचएस में 2023 में 91.19 क्लोजिंग मेरिट रहा है, इस साल एक्सपेक्टेड है यूएचएस में 92.81 क्लोजिंग मेरिट हो, यानी कि इससे ऊपर वाले बच्चे का एडमिशन यूएचएस में पॉसिबल है पब्लिक सेक्टर में। केपीके में लास्ट ईयर में रहा था 90.43 और इस साल इम्कान है कि 90.81 मेरिट क्लोजिंग मेरिट केपीके में कंसीडर किया जा सके। इसके साथ सिंध का आपको हाल मालूम है कि जनाब यहां पे पेपर के लीक के हवाले से कुछ मामला थे। लास्ट ईयर 87.72 मेरिट रहा था 2023 में और इस साल इम्कान है कि 88.99 क्लोजिंग मेरिट हो, यानी कि इससे ऊपर परसेंटेज वाला बच्चा जो है वो एडमिशन हासिल कर सके। इसके अलावा बलूचिस्तान में लास्ट ईयर में मौजूद था 75.1 और इस साल इम्कान है कि 79.5 क्लोजिंग मेरिट कंसीडर किया जाए। जैमो के मामला आप सबके सामने कि बेशुमार क्वेश्चंस के अंदर वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिला, आंसर किस में भी चूज थे, मगर फिर भी लास्ट ईयर में 94.87 इनका क्लोजिंग मेरिट रहा था और इस साल इम्कान है कि 89.99 क्लोजिंग मेरिट देखा जा सके जैमो में। तो भाई ये वो क्लोजिंग मेरिट है कि जो एक्सपेक्टेड है। अब जैसे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज की जानिब से एक रिजल्ट और उसके बाद फिर एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा तो उसके बाद फिर हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट राइट नाउ दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज।